और पाउच वगैरह की नीड होती है, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। खाएंगे खड़ा मसाले का, जैसे इलायची, जैसे कि आप देख सकते हैं काली मिर्च का 10 रुपए का लड़ी है इस तरीके का। यहाँ से फारने कॉपी, मैं जैसे यहाँ माल डाल दिया इसके अंदर में, आप आराम से छोटी मशीन है देता है जो है, ये देखिए एक अकेला आदमी जो है ये इजिली भर सकते। जैसे आप देख सकते हैं अभी 5 पीस कर लिया, 5 पीस और जो है कैसे 10 पीस ये भर लिया है। अब हम जो है यहाँ इस तरीके से ये देखिए 100 लड़ी का जो है बंडल होता है। अगर बजट है तो मसाला पीसने का ले सकते हो इसकी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज जो मैं लेके आया हूँ वीडियो, काफ़ी लोग खड़ा मसाला का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए उनको जो है पैकिंग मशीन और पाउच वगैरह की नीड होती है, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आज हम जो दिखाने वाले हैं 5 रुपये 10 रुपये में आपको लड़ी में पाउच दिखाएंगे खड़ा मसाले का, जैसे इलायची, लौंग, जीरा, गरम मसाला आपका हो गया, अजवाइन हो गया, इस तरह का पाउच भी दिखाएंगे और किस तरह से जो वो पैक होता है, किस मशीन आप यूज करके जो है लड़ी को पैक कर सकते हैं। और ये जो बिजनेस में लागत जो है आपका ज़्यादा नहीं, 18 से 20 हज़ार रुपये में आपका ये मसाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारी 2 मशीन है, ये देख सकते हैं, एक ये हमारी डिजिटल वेट करने की मशीन है और ये एक पैकिंग करने की मशीन है। ये 2 मशीन लगा के आप खड़ा मसाले का बिजनेस में जो है थोड़ी तेजी ला सकते हो। और देखिए, वैसे आपका बजट है तो आप एक मशीन भी लगा सकते हो, मैं पहले एक बार डेमो कर दूँ उसके बाद बात करेंगे ये मशीन का क्या कीमत है और इस मशीन का क्या कीमत है। जैसे आप देख सकते हैं ये 10 पीस की लड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं काली मिर्च का 10 रुपये का लड़ी है इस तरीके का। यहाँ से फारने का ऑप्शन भी है, पीछे किसी कंपनी का ब्रांड नहीं है, इस साइड से ओपन होता है। अब हम क्या करेंगे, ये मशीन है हमारी डिजिटल वजन वाली, जैसे लोग मैनुअली चम्मच से डालते हैं या नॉर्मली वजन करते हैं, ये अब आ गई है डिजिटल में। अब कुछ नहीं, आ गई है, आप इसमें माल डाल दीजिए, ग्राम यहाँ से सेट कर दीजिए और आपका वजन होकर पाउच भर जाएगा। हम आज जो दिखाने वाले लड़ी पे बात करने वाले हैं, जो खड़ा मसाले का बिजनेस लोग कर रहे हैं तो स्टेपलर वाला या मैनुअली एक एक पाउच में पैक करके बेचते हैं, उससे अच्छा है कि इस तरह का आप जो प्रिंटेड पाउच लीजिए और इस पाउच में बेचिए, आपका देखिए डबल मार्केट से डिमांड आ जाएगा और हाइजीनिक भी होगा। और 1 ग्राम 2 ग्राम आपका माल ज़्यादा चला जाता है वो भी बचेगा, अब किलो में कन्वर्ट करोगे तो आपका महीने का समझो 2-4 हज़ार रुपये ऐसे ही बच जाएगा जो है। अब देखिए, मैं जैसे यहाँ माल डाल दिया इसके अंदर में, आप आराम से, छोटी मशीन है तो इसमें 5 किलो डाल सकते हैं, बड़ी मशीन होगी तो 15 किलो तक डाल सकते हैं। इसमें कैपेसिटी भी बताऊँ कितना आती है, हमने यहाँ 6 ग्राम सेट किया हुआ है, यहाँ बस स्टार्ट बटन दबाना है। देखिए स्टार्ट बटन हमने दबा दिया है, यहाँ वजन होना शुरू हो गया है, ये देखिए 6 ग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से पाउच भरेंगे, ये देखिए बिल्कुल जो है इस तरीके से पाउच भर रहा है, ये देखिए कितनी स्पीड में मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से आपका ऐसे हम ओपन करेंगे, साइड ओपन होता है और हम यहाँ लगाएंगे, ये देखिए एक अकेला आदमी भी जो है ये काम कर सकता है जो है, ये देखिए एक अकेला आदमी जो है ये इजिली भर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी 5 पीस कर लिया, 5 पीस और जो है कैसे इजिली जो है आप भर के, और टाइम भी देखिए कितना कम लगता है, आपका लेबर कॉस्ट इतना खर्च हो जाता है कि आप उससे अच्छा लेबर कॉस्ट भी बचा सकते हैं। मात्र हमारे पास जो है ये मशीन जो है 20 हज़ार से शुरू हो जाती है, इसमें अलग अलग कैपेसिटी आती है, ये देखिए इस तरीके से पूरा प्रॉपर जो है देखिए प्रॉपर हमने जो है ये देख सकते हैं 10 पीस भर लिया है, देखिए प्रॉपर हमने जो है बिल्कुल 10 पीस ये भर लिया है। अब हम जो है इसको सील करेंगे, ये हमारी मशीन है, हम जो है यहाँ इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल आपका लड़ी जो है ये देखिए बिल्कुल आपका लड़ी जो है ये देखा, आपको मैं सीलिंग भी दिखाता हूँ, ये देखिए सीलिंग देखिए एक बार, बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन जैसी आप ये सीलिंग हुआ, ये देखिए। अब दुकानदार क्या करेगा भाई, एक पीस ऐसे फाड़ेगा, ये देखिए एक पीस ऐसे फाड़ेगा और आगे दे देगा, ये देखिए। तो ये 2 मशीन आप लगा के अपने बिजनेस में जो है, जैसे आप बिजनेस करते हो अगर खड़े मसाले का या मसाले का कर रहे हो या चाय पत्ती का कर रहे हो, तो आपको ये 2 मशीन लगेगी। इस मशीन के बारे में बता दूं मैं कि ये हमारी वजन करने की मशीन है, ये मशीन जो है 1 ग्राम से 100 ग्राम भी आती है, 200 ग्राम भी आती है, 500 ग्राम भी आती है और 1 kg भी आती है। 20 हज़ार से हमारे पास शुरू हो जाता है, जैसा जैसा आप वजन बढ़ाएंगे उस हिसाब से हमारा जो है मशीन का रेट बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरी हमारी पैकिंग मशीन है,
इसमें दो वर्जन स्टार्ट होता है, हम आपको भेज देंगे वीडियो में। ये वाली भी हमारे पास मिल जाएगी, 18,000 से शुरू हो जाती है। इसी में अगर आप थोड़ी हैवी मॉडल लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 से 4 क्वालिटी में मशीन मिलेगी। और इसमें क्या है कि आप जैसे एक लड़ी पैक किया आपने इस तरीके का, तो ये आपका जो है 6 ग्राम 7 ग्राम की आपने पैकेट पैक किया। इसमें चाहेंगे तो आप 5 किलो भी पैक कर सकते हैं। इसकी हाइट आप एडजस्ट करके इतना हाइट ले जाएंगे तो 5 किलो का भी आप जो है पाउच पैक कर सकते हैं, 1 किलो का भी कर सकते हैं, 2 किलो का भी पैक कर सकते हैं। और पाउचेज अब मैं दिखा दूँ आपको हमारे पास किस किस तरह का मिल जाएगा। जैसे कि मसालों में एक बार मैं दिखाऊंगा, जैसे हमारे पास ये देख सकते हैं लौंग का पाउच है, मतलब इस तरीके का आपको 10 रुपये में है, जिसमें आपको काली मिर्च भी मिल जाएगा, इलायची भी मिल जाएगा, जीरा भी मिल जाएगा, इस तरीके से आपको गरम मसाला भी मिल जाएगा। और मल्टीपर्पज़ कुछ आपको पैक करना है इस तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद इसमें लौंग भी है, जीरा भी है, इलायची भी है, ये भी है 5 रुपये में, चाय पत्ती है 10 रुपये में, चाय पत्ती है। उसके बाद आप देख सकते हैं हल्दी है, मिर्ची है, इस तरीके से होता है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा कि हमारे पास जो पाउच होता है, जैसे कि आप देखेंगे ये चीज़, हमारे पास पाउच में पीछे किसी कंपनी का नाम नहीं होता, ना हमारा होता है। हमने एक टाइटल बस दिया हुआ है मदर मेड, इस नाम से छपाया हुआ है। आप आराम से लीजिए और पाउच को बेचिए। और ये देख सकते हैं पीछे मैन्युफैक्चरिंग बाय, आप मेरे से मैनुअल कोटिंग लेके आप अपना यहाँ पे छाप सकते हैं। यहाँ पे आप कितना ग्राम भर रहे हो वो भी छाप सकते हैं, MRP ऑलरेडी छपा हुआ है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा, भैया हमको जो है ये नाम चेंज करा के अपना नाम डालना है। अगर ये छपाते हो ना, तो सिर्फ जैसे मान लो आप काली मिर्च का ही छपाते हो, तो कम से कम 150 किलो पाउच छपाना पड़ता है। और कम से कम जो है सिलेंडर का चार्ज 6 से 7 हज़ार रुपये लगता है, तो 70-80 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट लगता है। मार्केट में जो है रैपर पे आपका नाम है उससे मतलब नहीं है, लोगों को पाउच दिखना चाहिए और उसके अंदर माल की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तभी आपसे माल लेगा। अब रही बात कि जैसे कि कुछ लोग को ब्रांड करना है, तो ब्रांड अभी मत कीजिए क्योंकि आपका बजट नहीं हो पाएगा। 10 आइटम लेते हैं तो 4-5 लाख रुपये यूँ ही आपके पाउच छपाने में लग जाएंगे। उससे अच्छा है पहले आप रेडीमेड पाउच उठाइए, एक कोडिंग मशीन उठाइए, पीछे अपना नाम छापिए, या आप जो बड़ी वाली थैली में जो 2 पैकेट को ऐसे फोल्ड करके पैक करते हैं, 2 पैकेट को जैसे फोल्ड करके पैक करेंगे उस पर अपना स्टिकर लगा दीजिए। जब मार्केट जम जाए तो धीरे धीरे जैसे काली मिर्च पे अपना नाम चेंज करा लीजिए, इलायची पे नाम चेंज करा लीजिए, लौंग पे। इससे क्या होगा कि साल भर में आपका जो है 5 लाख आपने इन्वेस्ट भी कर दिया लेकिन आपको उतना बर्डन नहीं आएगा। अब मैं आपको पाउच दिखा दूँ कौन कौन से हमारे पास मिल जाएंगे। अब हमसे अगर आप पाउच मंगाते हैं, ये 100 लड़ी का जो है बंडल होता है इस तरीके से। जैसे आप गरम मसाला मंगाते तो देखिए गरम मसाले का 100 लड़ी का बंडल होता है इस तरीके से। ये देखिए पीछे का भी इस तरीके से 100 लड़ी इसका होता है आपका। उसके बाद मैं देखा आपको ये इलायची का होता है इस तरीके से, हमारा बंडल होता है। ये पाउच देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए ये इलायची का है, गरम मसाले का है, काली मिर्च का है, ये आपका सरफ का पाउच है लड़ी में। ये देख सकते हैं सरफ की लड़ी है हमारे पास। ऐसा नहीं है, लड़ी में हमारे पास सारे वेराइटीज़ हैं, मल्टीपर्पज़ है। आप जैसे ये देखिए मिर्ची का, आप देखिए पाउच, ये हमारे पास मिर्ची का है। सब में फारने का ऑप्शन है, साइड ओपन है। और देखा जैसे आपने कितना इजी से मैंने जो है वेट मशीन से 10 पीस की लड़ी भरा और पैक कर दिया। तो ये कन्फ्यूज़न मत रखो कि 2 लोग को पकड़ना पड़ेगा तो मैं भरूंगा। सवालात मतलब जो क्वेश्चन कम कीजिए, काम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अब किस तरह से काम होगा उसका सॉल्यूशन निकालिए, ज़्यादा जो है डीप में मत जाइए, फिर बिजनेस कभी आप शुरू कर ही नहीं पाओगे जो है। और ये छोटी मशीन है, 0 मेंटेनेंस है, 1 साल की हम आपको वारंटी देते हैं। इसी तरीके से बहुत तरीके का पाउच है, कैटलॉग मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। बहुत तरीके का पाउच है हमारे पास, पाउच की कमी नहीं है। सिंगल में भी लेंगे तो सिंगल में भी आपको मिल जाएगा 50 ग्राम 100 ग्राम। सिंगल में मिनिमम आप 10 किलो ऑर्डर करके हमसे मंगवा सकते हो मिक्स करके। बाकी जो है लड़ी में आपको लड़ी के हिसाब से, बंडल के हिसाब से है। और काफ़ी लोगों का ये होता है, आएंगे आपके दुकान पर देख लेंगे, फिर जो है क्या करोगे। वीडियो में तो सारा दिखा ही रहा हूँ मैं, सारा जो है आपको वीडियो में मैं एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, क्वालिटी दिखा रहा हूँ, सारा दिखा रहा हूँ। आप आओ, एक इरादा बना के आओ कि भाई हमें लेना है और जाना है, और आके सामने में आइए, देखिए, लीजिए और लेके जाइए। कुछ लोग क्या होता है पूरे पूरे दिन आएंगे, वक्त ख़राब करके जाएंगे अपना, फिर 6 महीने बाद फिर आएंगे, फिर वक्त ख़राब करके जाएंगे। वो ना कभी बिजनेस खुद स्टार्ट कर पाते हैं ना दूसरे को काम करने देते हैं। तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप पर सारी डिटेल मंगवा लीजिए, सारा आप स्टडी पहले ही कर लीजिए। बस आप इरादा बना के जाइए या आइए हमारे पास, और सीधा जो सामान आपको लगता है पाउच मशीन आप खरीदिए और लेके जाइए। उसका 1 पीस सैंपल दे दो, उसका 2 सैंपल दे दो, ये सब काम मत कीजिए हमारे पास, ठीक है? क्योंकि वक्त की कमी होती है और लोगों को भी माल भेजना होता है, तो इसलिए जो आप और भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ, और मशीनें हमारे पास। जैसे ये हमारे पास जो है पल्विलाइजर है, अगर बजट है
तो मसाला पीसने का ले सकते हो। इसकी 30 केजी की कैपेसिटी होती है, एक घंटे में आपका 30 केजी निकलता है। ये अभी आप कम रेट में आ जाएगा, सिंगल फेस पे मशीन चलती है, लाइट बिल आपका ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें भी लाइट बिल आपका ज़्यादा नहीं आएगा, एक यूनिट घंटे का आएगा। इसमें आपका हाफ यूनिट घंटे का आएगा, मतलब दो घंटे में एक यूनिट बिजली बिल आपको खाएगी। ये हमारे पास ये मशीनें हो गई। उसके बाद जो है अलग से आप अगर पल्विलाइजर लेते तो पल्विलाइजर भी ले सकते हैं, और भी तरह की मशीन है। अगली वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और नॉलेज चाहिए या कुछ चाहिए तो व्हाट्सएप पे डेमो आप मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।